सो गाइस 26 जनवरी मेरी ओर से दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सो गाइस आज की जो ब्लॉग है ना आईटीआई कॉलेज में होने वाली है, जो कि हम झंडा बंधन करेंगे और सारे स्टूडेंट अभी आए नहीं आ रहे हैं, उसके बाद झंडा बंधन होगा। सो मैं एक बार फिर से लेके आ गया एक नई ब्लॉग। सो गाइस कैसे हो, आई होप कि बढ़िया मस्त है, बिंदास होंगे। सारे स्टूडेंट के आने का वेट करते हैं, उसके बाद फिर वीडियो सेंड करेंगे। काफ़ी अच्छी रोमांच वीडियो बनने वाली है, क्योंकि पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे दो ट्राइपॉड पीछे रखे हुए हैं। तो गाइस फाइनली गाइस तो सारे स्टूडेंट आ चुके हैं और रंगोली बन रही है और उसके बाद झंडा बंधन होगा। तो हमने रंगोली की क्लिप ली, कैसी लगी मुझे कमेंट में ये भी ज़रूर बताना।
हमारे बीच में जो आज हमारे के मुख्य अतिथि थे वो पधार चुके हैं। तो अभी हमारा सबसे पहले जो प्रोग्राम है झंडा वंदन होगा, तो मैं अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वे आए और झंडा वंदन की जो शुभ जो फ्लैग होस्टिंग होगी उसको संपन्न करें। अभी राष्ट्रगान शुरू करेंगे, शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें। अतिथि महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि दो शब्द गणतंत्र दिवस के उपलक्ष में आप सभी के समक्ष रखें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना था, ये तो सबको पता है। हमारी स्वतंत्रता को निरंतर बनाए रखने में गणतंत्र दिवस का बहुत बड़ा योगदान है। गणतंत्र दिवस के दिन ही हमारा संविधान पूर्ण हुआ था, ये भारत सरकार द्वारा मान्य किया गया। वह संविधान जो हमें अनेक शक्तियां देता है, हमें अनेक मौलिक अधिकार देता है, हमें बोलने की स्वतंत्रता है, जिसे हम अभिव्यक्ति स्वतंत्रता कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है वर्तमान स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। कोई भी व्यक्ति अपनी किसी भी बात को संविधान के दायरे में किसी के सामने भी कह सकता है, जिससे दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना होता हो। पत्थर शक्तियों में से एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमारे अन्य भी मौलिक अधिकार हैं जो शायद बारहवीं में से पड़े हुए हैं, जो हमें अन्य मौलिक अधिकार मिले हैं वो भी हमें संविधान पसंद है, वो हमें गणतंत्र की वजह से मिले। यह 73वां गणतंत्र दिवस हम सबके लिए शुभ रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को पूरा गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके इस मूल्यवान वचन के लिए। मैं आगे आग्रह करूंगा कि हमारे जो दूसरे मुख्य अतिथि हैं वो भी अपना वक्तव्य विचार हमारे समक्ष रखें। 73वें गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर शासकीय महाविद्यालय ITI कॉलेज में उपस्थित हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी मंडल हाट विद्यालय के सम्मान्य अध्यक्ष श्री बलवान सिंह रावत जी, ITI कॉलेज के प्रभारी श्री रवीन जी, आसिफ जी, श्री राम जी उपस्थित सभी छात्र छात्राबंधु, आज बड़ी खुशी की बात है। 73वें गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर हम सब यहाँ उपस्थित हुए देश के संविधान को जानने के लिए, और वो संविधान जिसने सबको एक माला में पिरो कर रखा, सभी जातियां एकात्म मानवतावाद के इस नारे के साथ में हम सब यहाँ इस संविधान के पर्व को मना रहे हैं। भारत वो संस्कृति है जिसके अंदर हर वर्ग
हर समाज का व्यक्ति अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आज के इस अवसर पर आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज इस अवसर पर मैं कहूंगा इस विद्यालय के अंदर शिक्षा की रोशनी में जो आप सभी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, निरंतर आपका भविष्य उज्जवल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस मूल्यवान वचन के लिए। मूल्यवान समय निकाल करके हमारे समक्ष आए, मतलब हमारे प्रांगण में आए, और यह पहला ही अवसर था। पहली बार शासकीय जो आईने हाथ लिया है, पहला झंडा विधिवत रूप से किसी बाहरी जो अतिथि है उनको आमंत्रण देने के बाद हुआ। कोई एक शुरुआत हुई है, आने वाले वक्त में और भी अच्छे प्रोग्राम होंगे, अच्छे कार्यक्रम होंगे, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि पहली बार इतने ट्रेनिंग से हमारे वो उपस्थित हुए हैं, क्योंकि अभी वर्तमान समय में ठंड का प्रकोप था, कड़ा ठंड था, बावजूद ज्यादा जनसंख्या आए, तो इसके लिए बहुत सारी थैंकफुल कि आप आए, और उससे भी ज्यादा थैंकफुल कि हमारे अतिथि आए बहुत समय पर। थैंक यू सर समय पर आने के लिए, ऐसा कमी नहीं कहूँगा। ओके, इसके लिए बहुत सारे शुक्रगुजार, और मैं अपना एक्सटेंड ग्रेटिट्यूड एक्सटेंड करता हूँ टू माय चीफ गेस्ट, और आप सभी का शुक्रिया कि आप सभी ने प्रोग्राम का अरेंजमेंट करने के लिए कल से ये तो था ही, और कुछ लड़के लड़कियां जो कभी नहीं आए आज तक, मतलब कभी भी नहीं आए आज तक, आज टाइम पे आए, और बहुत सारे तैयारियां की, रंगोली बने, फुगारे, बलून अंदर सजाया, डेस्क टेबल कुर्सी पानी की व्यवस्थाएं है ना, तो इसके लिए बहुत सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। वीडियो हो गई कंप्लीट, झंडा बंधन भी हो गया, तो गाइस हम करते वीडियो को एंड। तो गाइस मुझे कमेंट पर जरूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी नहीं लगी तो यार फिर तो क्या है यार। सो अभी हम वीडियो करते हैं एंड, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कंटेंट के साथ, अच्छे वीडियो के साथ। तो गाइस हम लेते हैं अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।